तो चलिए आज हम इस वीडियो में सीखते हैं कि हम विंडोज 7 में अपने कंप्यूटर का स्क्रीन कैप्चर कैसे करें। यानी कि मान लीजिए आप कोई कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं या कोई वेब पेज खोल रखा है और आप सारा एक साथ पढ़ने में असमर्थ हैं, तो आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आप कोई ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो उसमें आपको गाइड बताने के लिए भी स्क्रीन कैप्चर की जरूरत पड़ सकती है। तो आप अगर स्क्रीन कैप्चर चाहते हैं, यानी कि आप अपने डिस्प्ले का एक फोटो क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं वो हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स में यहाँ पे टाइप करें स्निपिंग टूल। और टूल आप यहाँ पे स्निपिंग टूल पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ऊपर स्निपिंग टूल आ गया। अब इस पे क्लिक कर दे तो आप ये देख सकते हैं ये स्निपिंग टूल ओपन हो गया और यहाँ पे ये न्यू पे अभी सेलेक्ट है और ये मेरा कर्सर चेंज हो गया। अब मुझे जो इमेज लेनी है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे ऊपर कोने में लेके और उसको इस प्रकार खींच के छोड़ दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं ये इमेज क्रिएट हो गई। और अगर मुझे इसे थोड़ा बहुत एडिट करना है यानी कुछ हाईलाइट करना है तो ये पेन का निशान आता है, इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्लू पेन भी कर सकते हैं, ब्लैक पेन भी कर सकते हैं और कस्टम पेन भी कर सकते हैं, रेड पेन भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे रेड करना है और इस यहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है तो मैं इस प्रकार इसको गोला करके हाईलाइट कर सकता हूँ। और अगर आप इसको ब्लू पेन में करना चाहें, ब्लू पेन पे सेलेक्ट करके आप इस प्रकार हाईलाइट भी कर सकते हैं और यहाँ से अपनी हाईलाइटिंग मिटा भी सकते हैं। ये इरेजर का निशान है, इस पे क्लिक करके मिटा भी सकते हैं। और अगर आप इसे सेव करना चाहें तो ये यहाँ पे ये फ्लॉपी का निशान बना हुआ है, ये सेव का ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ये एक नया बॉक्स खुल जाएगा, विंडो खुल जाएगा। इसमें आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे PNG में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, GIF में सेलेक्ट कर सकते हैं, JPEG में कर सकते हैं। तो मैं PNG रखूंगा और सेव कर दूंगा और यहां से क्लोज कर दूंगा। तो आप यहां पे ये देख सकते हैं वो जो स्क्रीन कैप्चर हमने किया था वो कैप्चर नाम से यहां पे सेव हो गया। अगर मैं ओपन करूंगा तो आप ये देख सकते हैं ये उसकी फोटो बन गई। तो इस प्रकार आप अपने कंप्यूटर में स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कंप्यूटर कोर्स से जुड़े और वीडियो के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई गई लिंक पर क्लिक करें और हमारी रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।